हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो. हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो. हाँ, सो वी बीन शिफ्टिंग सिंस 2 days. अच्छा. एंड इट वाज सो एग्जॉस्टिंग एंड स्टिल अ लॉट ऑफ स्टफ इज पेंडिंग. एंड व्हाट एल्स. हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए व्लॉग. आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, जस्ट बिकॉज हमने अभी अभी नए घर में शिफ्ट किया है और परसों से हमने शिफ्टिंग स्टार्ट करी थी. 2 दिन हो गए हैं हम लगातार काम कर रहे हैं और अभी भी शिफ्टिंग बाकी है काफी. अभी हम यहाँ पे आज हमारा 3rd डे शिफ्टिंग का, तब भी काफी सामान बाकी है जो अभी हमें शिफ्ट करना है. ड्राइंग रूम वगैरह हमने सेट कर लिया है, थोड़ा जो मेरा रूम था वो भी हमने सेट कर लिया है. मम्मी का रूम थोड़ा सेट हो गया है, पर अभी काफी चीज है जो बची है और ये सबसे इरिटेट कर रही है. काम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम का लुक तो थोड़ा ऐसा आने वाला है कुछ. अभी ये सब सेट किया है, नॉर्मल कर्टेंस लगे हैं, ये थोड़ा सा लुक आने वाला है ड्राइंग रूम का. अब हम चलते हैं सीधा मेरे रूम में. यहाँ की लॉबी है थोड़ी सी अभी थोड़ा सा मैसी हो रखा है क्योंकि अभी भी हम काम कर रहे हैं. तो नहीं मेरा रूम, सामने मेरे सेट टेबल लगेगी, यहाँ बेड है, ये सारा वार्डरूम. ये लाइट यहाँ पे इसलिए लगाई थी ताकि थोड़ा सा एस्थेटिक लुक आए जब भी मैं यहाँ पे काम करूँ बैठ के, तो मजा आए. नेक्स्ट ये है किचन. किचन में लाइट ऑन करते हैं, ठीक है. काफी बॉक्सेस हैं, काफी चीजें अंदर हो जाएंगी. बॉक्सेस वगैरह वो प्रॉपरली दिए हैं, मतलब ताकि जितना भी सामान है वो अंदर हो जाए, कुछ दिखे ना. और बहुत क्राउडेड बनी है किचन भी, दोनों तरफ से वेंटिलेटेड है यहाँ से और इधर से. और ये तो बीच में ये आ रही है, मैं सब कट कर दूंगा ना. तो ये लॉबी के पास सामने आती है वॉशरूम. उसके बाद ये वाला जो रूम है ये अमन का रूम है. तो कर्टेंस और ये अलमारी लगी है अंदर, वहाँ पे स्टोर रूम है. और यहाँ से एक है हमारी बालकनी जिसका बहुत अच्छा सा आता है बाहर. उसके बाद चलते हैं सीधा मम्मी के रूम में. मम्मी पापा का रूम है ये. यहाँ पर भी अभी सामान आना बहुत बाकी है, सिर्फ कर्टेंस लगे हैं. सबसे इम्पोर्टेंट पूजा का रहता है, मम्मी ने सेट कर रखा है. कबर्ड है और इधर से एक और लॉबी है जो मम्मी के रूम पे खुलती है सीधी. पूरी लॉबी है और ये हमारी सोसाइटी का नीचे का एरिया. तुम लोग तो सुपर पावर वो बना रहे हो अपना जूस है, क्यों मेरे लिए भी बना दो यार कुछ पावर वावर वाला. अमन ले इसको पी के अब बहुत सारे काम कर पाएगा. ले ले क्रिएटिन वाला जूस, अब इसे पी के अमन में चुस्ती दुरुस्ती आ जाएगी. पहले भी ओ तेरा पेट देख के तो लग रहा है. एक बार अपना पेट दिखाइयो. मैं आज से जिम जा रहा है और एब्स निकालेगा लड़का. देखते 2 महीने में एब्स निकाल सकते हैं कि नहीं.
हटा देना लोगों नहीं हटता कितना क्यूट लग रहा है यार है ना मैं कुल्फी है ना जी फलूदा कुल्फी आपकी हाँ चार ना जी आपका नाम मोहम्मद सैयद थैंक यू सो मच भैया आइसक्रीम आ गई देखने तो बहुत टेस्टी लग रही है बोले थे बहुत क्या पहले मेरे से टेस्ट करो कि इतना मीठा आप खाओगे कि नहीं खाओगे बहुत दिनों बाद मीठा खा रहा हूँ सोनी बोल रही पूरा खाऊंगा नहीं खाऊंगा पूरा खाऊंगा ओ भाई साहब क्या बन रहा भाई साहब आज रोटी बन रही है देखे सोने की गोल गोल क्या बात है चलो चलो ब्लॉग एंड कर दो जल्दी से बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए स्टे फिट स्टे